नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में कलेक्टर के आदेश पर लगाई गई धारा 144 का उल्लंघन करने वाले कोचिंग पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है, जहां भारी मात्रा में छात्र छात्राएं पढ़ाई करते प्रशासन को मिले हैं। दरअसल ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने भीषण गर्मी को देखते हुए जिले भर में शिक्षण संस्थान पर धारा 144 लगाई है, ताकि बच्चे भीषण गर्मी में लू और बीमारी का शिकार ना हो। इसलिए 15 जून तक सुबह 6 से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया, लेकिन शिक्षण संस्थानों ने कलेक्टर के आदेश हवा में उड़ा दिए और अपनी मनमानी से शिक्षण संस्थान संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर के पड़ाव स्थित लक्ष्मीबाई कॉलोनी में कोचिंग सेंटर कलेक्टर के आदेश को ताक पर रखकर मनमानी पूर्वक आदेश का उल्लंघन करते हुए समय सीमा के बाद भी कोचिंग संचालित कर रहे हैं। जिला प्रशासन को सूचना मिली कि लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित एक कोचिंग चल रही है, उसमें भारी मात्रा में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि एक कोचिंग गर्ग क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं और बाद में कड़ी धूप में वे घर जाएंगे, जिस पर प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश पर धारा 144 का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संचालक के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई की है। धारा 144 लगी हुई है, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों जिसमें कोचिंग भी शामिल है, वो ये निर्देश दिए गए हैं कि 11 बजे के बाद क्लासेस ना चलाया जाए। यहाँ पर शिकायत मिली थी कि 11 बजे के बाद भी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसी सूचना पर हम लोग आए। जब आए तो बच्चे बैठे हुए भी थे क्लासेज में। ये धारा 144 का उल्लंघन है, आदेश का उल्लंघन है, तो इस पर जो भी कार्रवाई होगी धारा 188 के अंतर्गत वो की जाएगी। कौन सी कोचिंग में कितने बच्चे बैठे थे, ये गर्ग क्लासेज है, और उस समय कुछ बच्चे चले भी गए थे, लेकिन जब हम लोग आए तो उस समय 10-15 बच्चे बैठे थे क्लास में और कुछ बच्चे जा भी चुके थे। किस तरह की कार्रवाई की, नोटिस दिया है? नहीं, अभी तो जस्ट हम लोग आए ही हैं सूचना पर, इसके बाद नोटिस दी जाएगी, इनका जवाब लिया जाएगा और उसके बाद सक्षम अधिकारी इस पर निर्णय लेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।